फाइनली लक्ष्य चौधरी का बिग बॉस OTT3 पर एक वीडियो आ चुका है जिसमें लक्ष्य चौधरी सीधे सीधे बोल दिया कि मैं तो बिग बॉस में कटारिया को सपोर्ट करूंगा। और लक्ष्य चौधरी भी बिग बॉस पर एक रोस्ट वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें लक्ष्य चौधरी ने बोला उस रोस्ट वीडियो में किसी का भाईचारा नहीं चलेगा। अब तो क्या ही, जब ये व्लॉग जाएगा तब तो सबको पता चल ही जाएगा कि उसमें हमारा तो एक ही नोन आ रहा लव कटारिया। तो लेट्स सी भाई कैसा सीजन जाएगा ये, और अपना तो सपोर्ट भाई को रह गई। बाकी मैं एक रोस्ट वीडियो बना रहा उसमें तो खैर कोई भाईचारा नहीं उसमें तो सबको लपेटा जाएगा। सबकी है लिस्ट मेरे पास तो थी पिछले 3-4 दिन से ही, पर उनकी अपनी गाइडलाइन है सब रहे तो रिवील नहीं कर सकते। बट जब ये ब्लॉग आएगा तब तक तो प्रीमियर आ ही चुका होगा। बाकी प्रीमियर देख के पता लगेगा भाई कैसा क्या रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर बड़े दबंग बहुत कैडे तकड़े और बड़े इंटेलेक्चुअल दिखते रहे, अंदर जाके उनका फुद्दू बन जा तो ऐसे भी दिक्कत हो जा बहुत ज़्यादा। बाकी मेरा इस सीज़न को लेके थोड़ा सा यही है कि यार स्टार्ट अच्छा हुआ क्योंकि भाई नया होस्ट है बिल्कुल। इस बार मोस्टली इन्होंने ऑनलाइन पर्सनैलिटी, इन्फ्लुएंसर भी नहीं कहूँगा, मोस्टली ऑनलाइन पर्सनैलिटी जो वायरल हो, क्योंकि पिछली बार पुनीत को हाइप मिल गई तो इन्हें लगा कि इस तरीके से बड़ा पाव गर्ल है सब है, इन लोगों से शायद शो को हाइप मिल जा। पर मुझे लगा कि ऐसा हो सके कि अनिल कपूर के होते हुए भी शो का जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड है ना वो लो ना आ जाए, बाकी देखते हैं। लेकिन इस बार वो हो जाएगा कि जो फायदा अभिषेक को एलविस को मिला था ना खाली अंदर अकेले इन्फ्लुएंसर होने का, वो किसी को नहीं मिलना है क्योंकि इस बार वही इन्फ्लुएंसर वैसे इन्फ्लुएंसर, और तो बाहर ऑडियंस से हेट भी पड़ सके लोगों को। बाकी ठीक है, देखते हैं किसकी पीआर टीम कैसा काम करेगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड इस सीजन में आप किसको सपोर्ट कर रहे हो हमें कमेंट में जरूर बताएं।